बुलंदशहर से रीशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। आपकी सोच बदल देगा यूपी का यह तालाब, यूपी का पहला प्यूरिफाई तालाब। बुलंदशहर, यूपी का तालाब बना नजीर। प्यूरिफिकेशन के बाद पहुंच रहा तालाब में स्वच्छ पानी। गांव के 1000 घरों के गंदे पानी को प्यूरिफाई करने के बाद तालाब में भेजा जा रहा स्वच्छ पानी अमेरिका और डेनमार्क के प्यूरिफाई सिस्टम से गांव के गंदे पानी को प्योर करने के साथ साथ पैदा किया जा रहा जैविक खाद। जिला पंचायत ने बुलंदशहर के गांव खनगावली में तालाब पर बनाया 240 किलो लीटर क्षमता का प्यूरिफायर सिस्टम। बुलंदशहर के खनगावली गांव में तालाब पर लगा यूपी का पहला प्यूरिफायर सिस्टम है। 242 मैडम, बताइए इस पॉन्ड्स के बारे में क्या है, ये कैसे वाटर प्यूरिफाई करेगा, क्या फायदे होंगे इससे? देखिए, हमारी सरकार के माध्यम से जो सरोवर है उनको पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। उसी कड़ी में हमने आज खंगावली गांव में एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाया है, जिसकी पॉन्ड की जो कैपेसिटी है वो 240 लीटर्स की कैपेसिटी है, और जो ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो उससे ऊपर आएगा, और आई थिंक 200,000 लीटर के अराउंड पर डे जो पानी है वो पर्कुलेट होकर नीचे जाएगा, जिससे इरिगेशन में और जो आसपास के जो घर हैं उन तक स्वच्छ पानी और अच्छा पानी पहुंचेगा, और यहाँ पे जो आय के साधन हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पानी स्वच्छ होगा तो हम यहाँ पे मछली पालन का कार्य कर सकते हैं। फिर जो सॉलिड वेस्ट जो इनमें से निकल कर आएगा और जो इकट्ठा होगा उससे हम मैन्योर बना सकते हैं। जैविक खाद आज हम देखते हैं कि कितना महंगा मिलता है, किसानों को मिलता ही नहीं है, तो ये उसका भी एक साधन बनेगा। तो इस तरह की जो ये पहल है जो जिला पंचायत बुलंदशहर के माध्यम से हुई है, मुझे पूरा भरोसा है ये प्रोजेक्ट भविष्य में एक आदर्श प्रोजेक्ट के रूप में साबित होगा। क्या पूरे जनपद में लागू किया जाएगा? अगर ये यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किया तो पूरे जनपद में लागू किया जाएगा। क्या प्रदेश में पहला है? आई थिंक प्रदेश में ये जिला पंचायत में पहला है, और मेरे ख्याल से और भी किसी विभाग में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया है, तो ये पहला प्रोजेक्ट है। सर, क्या पूरा सिस्टम है ये वाटर प्योरीफाई का आपके यहाँ पर? सर, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं LSR एनवायरोटेक, चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है, और हमारा एजेंडा है कि एवरी विलेज शुड हैव देयर ओन STP, और जितने भी गंदे पॉइंट्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ड्रेन्स हैं, वी हैव द टेक्नोलॉजी जो उसी टाइम उसको साफ करके रिजल्ट दे सकती है विदाउट वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, एवरीथिंग विल बी ऑन आवर स्कोप, और हम पानी आपको साफ करके इमीजिएटली दे देंगे। सो ऑल द पॉइंट्स, ड्रेन्स जो मेन रिवर्स में जा रही हैं, यमुना में जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, दैट विल नॉट गो, और पानी पहले ही साफ हो जाएगा एंड हमारी रिवर्स विल बी क्लीन। कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी इज नो प्रॉब्लम, हम जितनी बर्जी बड़ी ड्रेन या पॉन्ड है वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी। नहीं, पर डे में कितना कर सकते हैं? सर, हम नंबर ऑफ ट्यूब्स बढ़ा सकते हैं, आपको अगर 300 KL, 500 KL, 1 MGD जो भी लिमिट है फॉर द रिवर और स्ट्रीम वो कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मोर देन 40 कंट्रीज में चल रही है सिंस मोर देन 20 ईयर्स, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, हम इसको इंडिया में लेकर आए हैं सो दैट वी कैन इंप्रूव द वाटर क्वालिटी। बुलंदशहर के अगौता के खनावली का जो तालाब आप प्योरीफाई कर रहे हैं, यहाँ पर डे कितना वाटर प्योरीफाई होगा? सर, अभी जो हम ये पायलट कर रहे हैं इसमें तो 15 मीटर के ऊपर आवर का कर रहे हैं, बट वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी 1000-2000 मीटर के ऊपर आवर कर सकते हैं। जो पानी के रिजल्ट आए हैं पहले पॉन्ड्स में क्या थे और प्योरीफाई करने के बाद क्या है? सर, पहले और आप देख ही रहे हैं बहुत ही बुरा हाल है, इवन बैड फॉर ग्राउंड वाटर, और कंजम्पशन के लिए तो है ही नहीं है पानी। हम इसको एज गुड एज NGT नॉर्म्स में ले आएंगे, एज पर CPCB नॉर्म्स, BOD लेस देन 10 ले आएंगे, TSS लेस देन 50 आ जाता है, एज पर NGT जो रिक्वायरमेंट है। इससे फिश सर्वाइव करेगी, आपका रिक्रिएशनल एरिया बनेगा, जो मोदी जी का एजेंडा है स्वच्छ भारत का, एकदम जल शक्ति में आ रहा है, वी आर प्रमोटिंग दैट। यूपी में और भी प्रोजेक्ट किए हैं? नहीं, हमने अभी नहीं किए हैं, एक यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं पहला प्रोजेक्ट। जी जी, सो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड और एट अ बिग स्केल। क्या आप पास मतलब टाइम लिमिट है, कितने दिनों में हो जाएगा ये? सर, ये फायदा इस टेक्नोलॉजी का ये है कि हमें कोई सिविल कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल और टाइम लगता है, हम इसको एग्जीक्यूट इन लेस देन 1 मंथ कर देते हैं, रिजल्ट्स आपको इमीजिएटली दिख रहे हैं। सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया, कितना बड़ा एरिया हमको करना है, एंड इट इज़ चीपर एंड बेटर एंड अर्लियर देन ऑल अदर टेक्नोलॉजीज, हम कर सकते हैं। थैंक यू।